सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में दिखने वाले इल्यूमिनाटी ग्रुप के बारे में। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का सेकंड ट्रेलर आज रिलीज हुआ, जिस ट्रेलर के अंदर हमें एक इल्यूमिनाटी ग्रुप दिखाई गई जिसके सामने बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज को प्रेजेंट किया जा रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज के फेट को डिसाइड करने के लिए। मैंने ऑलरेडी इस ट्रेलर के ऊपर एक डिस्कशन वीडियो प्लस एक ब्रेकडाउन वीडियो बना के रखा है अपने चैनल के ऊपर, तो आप उन सारे वीडियोस को जाकर देख सकते हो इस वीडियो के बाद। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में आपको इल्यूमिनाटी ग्रुप में कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग बनाऊ तो नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का सेकंड ट्रेलर में हमने इल्यूमिनाटी के बेस को देखा, जहां पर बेसिकली हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन बॉट्स बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज को हैंडकफ्स में इल्यूमिनाटी काउंसिल के सामने पेश करते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस इल्यूमिनाटी काउंसिल में मोस्ट प्रोबेबली 6 मेंबर्स हैं, क्योंकि बेसिकली 6 कुर्सियां स्टेज पे लगी हुई है। तो आखिर इल्यूमिनाटी ग्रुप में कौन से 6 कैरेक्टर्स होने वाले हैं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। पर पहले चलिए इल्यूमिनाटी ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप रहता है जिसके पास जिम्मेदारी होती है इन्फिनिटी स्टोन्स को गार्ड करने की। प्लस ये इल्यूमिनाटी ग्रुप बहुत सारे डिफरेंट थ्रेट से अर्थ को बचा कर रखती है। और कॉमिक्स के अंदर इस ग्रुप में आयरन मैन होता है, डॉक्टर स्ट्रेंज होता है, चार्ल्स एक्सवियर होता है, ब्लैक बोल्ट होता है, रीड रिचर्ड्स होता है, इसके अलावा नेमर जैसे कैरेक्टर होते हैं। सो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी हमें एक इल्यूमिनाटी ग्रुप दिखने वाली है जो कि मोस्ट प्रोबेबली एमसीयू के मल्टीवर्स को गार्ड कर रही है। और इस इल्यूमिनाटी ग्रुप में मोस्ट प्रोबेबली हमें प्रोफेसर एक्स दिखने वाले हैं, और प्रोफेसर एक्स का रोल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर मोस्ट प्रोबेबली पैट्रिक स्टूअर्ट प्ले करने वाले हैं। इसके अलावा इस इल्यूमिनाटी ग्रुप में मोस्ट प्रोबेबली मॉर्डो भी एक मेंबर होगा, क्योंकि बेसिकली मॉर्डो ही स्ट्रेंज को अरेस्ट करके इल्यूमिनाटी काउंसिल के सामने लेके आता है। सो ये हुए 2 मेंबर्स, प्रोफेसर एक्स और मॉर्डो। इसके अलावा इस ग्रुप के अंदर मोस्ट प्रोबेबली सुपीरियर आयरन मैन होने वाला है, यानी कि टॉम क्रूज का आयरन मैन होने वाला है। और बहुत लोगों का मानना है कि सुपीरियर आयरन मैन को हमने एक्शन में भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में देखा, जहां पे बेसिकली सुपीरियर आयरन मैन वांडा से लड़ रहा था। पर आई पर्सनली थिंक कि ये कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि एक कैप्टन मार्वल वेरिएंट है, और मे बी इस मूवी के अंदर मोनिका रैम्बो कैप्टन मार्वल वेरिएंट का रोल प्ले कर रही होगी। तो बेसिकली इल्यूमिनाटी ग्रुप में कैप्टन मार्वल की वेरिएंट भी होगी प्लस आयरन मैन का वेरिएंट भी होगा। भले ही इस सीन में आयरन मैन का वेरिएंट हमें नहीं देखने को मिला है, पर क्योंकि इस काउंसिल के अंदर हमें अल्ट्रॉन बॉट्स देखने को मिले हैं, सो इन अल्ट्रॉन बॉट्स को डेफिनेटली किसी आयरन मैन के वेरिएंट नहीं बनाया होगा, और मोस्ट प्रोबेबली इन अल्ट्रॉन बॉट्स को और किसी ने नहीं बल्कि सुपीरियर आयरन मैन ने बनाया है। सुपीरियर आयरन मैन के ऊपर मेरे चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो अगर आपको सुपीरियर आयरन मैन के बारे में और जानना है। तो ये हुए 4 मेंबर्स, सुपीरियर आयरन मैन, कैप्टन मार्वल वेरिएंट, प्रोफेसर एक्स और मॉडो। इसके अलावा इल्यूमिनाटी की टीम में आई पर्सनली थिंक कि हमें रीड रिचर्ड्स का वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, प्लेड बाय जॉन क्रिसिंस्की। इसके भी बहुत ज्यादा हैवी रूमर्स इंटरनेट पे, और आई पर्सनली थिंक कि रीड रिचर्ड्स आपको मोस्ट प्रोबेबली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर दिखने वाला है, जिसके बाद एमसीयू के अंदर भी रीड रिचर्ड्स हमें काफी जल्दी देखने को मिलेगा फैंटास्टिक 4 की मूवी में और मे बी एंटमैन 3 के मूवी में। इसके अलावा इल्यूमिनाटी का लास्ट मेंबर मोस्ट प्रोबेबली डिफेंडर स्ट्रेंज हो सकता है या फिर सिनिस्टर स्ट्रेंज हो सकता है। पर कैरेक्टर्स लाइक ब्लैक बोल्ट वेरिएंट एंड ब्लैक पैंथर वेरिएंट एंड नेमर वेरिएंट भी इल्यूमिनाटी के ग्रुप के मेंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली कॉमिक्स में भी कैरेक्टर्स लाइक नेमर, ब्लैक बोल्ट और ब्लैक पैंथर इल्यूमिनाटी के ग्रुप के मेंबर्स रहते हैं। तो हो सकता है इनमें से कोई कैरेक्टर इल्यूमिनाटी का लास्ट मेंबर हो। तो आपको ये इल्यूमिनाटी की लाइनअप कैसे लग रही है ये मुझे कमेंट्स में लिख बताना ना भूले। पर मोस्ट प्रोबेबली इन इल्यूमिनाटी के मेंबर्स में से बहुत सारे मेंबर्स से वांडा लड़ने वाली है, और बहुत सारे मेंबर्स इस इल्यूमिनाटी ग्रुप के हो सकता है मूवी के अंदर मर भी जाएं। सो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक काफी क्रेजी मूवी होने वाली है, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का सेकंड ट्रेलर के बाद इस मूवी के लिए हाइप आई थिंक काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर आपको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में ऐसे ही थ्योरी वीडियोस और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलेटेड लीक्स और रूमर्स के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।